ऑलराइट क्लास, तो हम लोग कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन को आगे सीखते हैं, कुछ और नए सवाल करते हैं। आज हम लोग जो भी सवाल करेंगे उसमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज कैलकुलेट करेंगे, यानी सवाल के टाइप सेम रहेंगे, अलग अलग सवालों में देखेंगे कि नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीन चार्जेस ए बी एंड सी आर इक्वली चार्ज्ड, लेकिन चार्ज कितना है वो नहीं बताया गया है। क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी इफ फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए इज 2×10⁻⁶ न्यूटन। और क्वेश्चन में दिया है कि ये तीनों चार्जेस एक ही लाइन में हैं, ए और बी के बीच डिस्टेंस 0.015 मीटर है, बी और सी के बीच 0.010 मीटर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स तो तभी निकालेंगे जब एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो लाओ देखते हैं कि कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ए भी बी पर फोर्स लगा रहा है और सी भी बी पर फोर्स लगा रहा है। क्योंकि तीनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो ऑब्वियसली सी बी को लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा है रिपल्शन का, और ए बी को लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज राइट साइड में रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और अब बी पे फोकस करो। बी पे चार्ज ए का फोर्स, फोर्स वेक्टर कैसे बनाया है ये ध्यान से देखो, क्योंकि कॉपी करेक्शन करते समय मैं देखती हूँ कि बच्चे फोर्स वेक्टर बहुत गलत लगाते हैं। जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वेक्टर की टेल वहाँ होगी और एरो डायरेक्शन की ओर। तो बी पे चार्ज, बी चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो टेल ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए बी पे होगी, और वेक्टर अवे फ्रॉम बी एज वेल एज ए। सी का फोर्स देखो, बी पे एफ सी की टेल और एरो की डायरेक्शन अवे फ्रॉम बी एज वेल एज सी। तो बी पे फोर्सेस को मैंने अलग से बना के तुमको क्लियर किया है कि फोर्स वेक्टर्स कैसे लग रहे हैं। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं तो जो नेट फोर्स होगा वो इनका डिफरेंस होगा। तो हम देखते हैं कि क्या दोनों फोर्सेस इक्वल हैं या नहीं है। एफ सी क्या है देखो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन 0.015 स्क्वायर, और एफ ए क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन 0.010 स्क्वायर। के याद है तुम्हें, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है ये, 1/4πε0 है जिसकी वैल्यू 9×10⁹ होती है। तो हमने दोनों फोर्सेस लिखे और ध्यान दिया कि डिनोमिनेटर ऑफ एफ सी इज लेस देन डिनोमिनेटर ऑफ एफ ए। इसका मतलब कि एफ सी बड़ा है और एफ ए छोटा है, इसीलिए मैंने नेट फोर्स कैलकुलेट करते समय एफ सी माइनस एफ ए किया है। अब यहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि भाई के क्यू स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, तो हम वापस क्वेश्चन पर गए और हमने देखा कि एक और फैक्ट दिया हुआ है कि ए और बी के बीच जो फोर्स है वो 2×10⁻⁶ न्यूटन है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से हम के क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, फोर्स बिटवीन बी एंड ए इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको Q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने लगना है, यहाँ पर ऐसा करने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो देखो इसको स्मार्टली कैसे करेंगे। F बिटवीन B एंड A
जितना दिया था लिख लिया, और इस एक्सप्रेशन से के क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली और यहाँ रख दी। तो जब हमने के क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई देखो, 2 × 10⁻⁶ × 0.015 स्क्वायर। ये वैल्यू उठाकर हमने एफ नेट की वैल्यू में रख दी। और उसके बाद आप वैसे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नीट में या जेई मेंस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी हम अप टू डेट रखें। वैल्यूज़ रखने के बाद ये देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन को एलसीएम लेकर पहले इस फॉर्म में लाए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ किया और यहाँ पे 0.015 यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए कि कहीं मैंने तो कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है, हम अपने आंसर्स मैच करेंगे। अब वेक्टर्स क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो नेट फोर्स ऑन बी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? एफ सी माइनस एफ ए इज नेट फोर्स, लेकिन एफ सी बड़ा है तो नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होगी जो एफ सी की है, मतलब फ्रॉम बी टू ए। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने नूतन फिजिक्स से लिए हैं बेटा, तो दूसरे क्वेश्चन में चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन इनके अरेंजमेंट को चेंज कर दिया गया है। तो अब देखो बी पे नेट फोर्स फिर से कैलकुलेट करना है। सब ध्यान से देखो, ए का फोर्स बी पर, अब हमें फोर्स लगाना आता है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस खींची और रिपल्सिव फोर्स है तो आगे बढ़ा के एरो लगा दिया। वेक्टर का टेल उस चार्ज पे जिसका जिस पर फोर्स निकालना है। सी का फोर्स बी पर, इसी लाइन को खींचा और आगे बढ़ा दिया। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो हमें एफ ए और एफ सी तो पहले से पता था, पीछे कर कर आए हैं हम, और के क्यू स्क्वायर भी पहले से पता था, लेकिन इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको वेक्टर वाला चैप्टर जो 11th में पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने पड़ेंगे। हमें पता है कि दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट फोर्स वन स्क्वायर प्लस फोर्स टू स्क्वायर। पर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, जहाँ थीटा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमारे केस में थीटा 90 है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है और इसीलिए हमें नेट फोर्स की वैल्यू मिलती है एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। चलिए वैल्यूज रखते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर दोनों टर्म्स में है तो अंडर रूट से बाहर निकाल लिया और बाकी टर्म को मैंने तो मैथमेटिकली सॉल्व किया है। आपका मन हो तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो और फाइनली आंसर आएगा 4.93 × 10⁶ न्यूटन। कैलकुलेशन बेटा चेक करते जाइएगा, हो सकता है कि मुझसे भी कहीं गलती हो जाए कैलकुलेट करते समय,
तो कैलकुलेशन आप लोग बराबर चेक करते रहिएगा। एक बार मैं आपको ये पूरा सॉल्यूशन फिर से दिखा दूं, आप जहां ज़रूरत हो वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन को भी समझ सकते हैं। हो गया? चलो, यहाँ पर भी फोर्स वेक्टर ही नहीं निकालना है, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो, मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो भी, और किसी एंगल थीटा पर हों तो भी, हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? पैरेललोग्राम पूरा करके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से मिलता था। तो टेन थीटा इस फोर्स से या इस वेक्टर से रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताता था, और वो कैसे निकालते थे? दिस फोर्स अपॉन दिस वेक्टर। क्यों ऐसा किया मैंने? ये दोनों फोर्सेस हैं, जब आपने पैरेललोग्राम पूरा किया तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये सेम है। इस वेक्टर की लेंथ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताती है, और इस वेक्टर की लेंथ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताती है। तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एफ सी अपॉन एफ ए। तो टेन थीटा में एफ सी और एफ ए की वैल्यू रखी, के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आपको फाइनली आंसर मिल गया 9/4। तो फिर से मैं कहूँ बेटा, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, और हम अपने आंसर्स मैच करके कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे कि कहीं हमारे कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं। अगला सवाल देखो। अब इसमें तीन चार्जेस हैं और तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं। तीनों का साइड ए, ये एंगल तुम्हें पता है कि 60 डिग्री, और सवाल वही, किसी पर नेट फोर्स कैलकुलेट करो। तो ए की वजह से रिपल्सिव फोर्स एफ ए, बी की वजह से रिपल्सिव फोर्स एफ बी। अब की बार एंगल दोनों फोर्सेस के बीच में 90 नहीं है बल्कि 60 है। दिख रहा है सबको बेटा? तो एफ ए के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ बी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और नेट फोर्स अभी हमने बात की थी अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 60। एफ ए की वैल्यू रखी, एफ बी की वैल्यू रखी, और 2f1f2 cos 60 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करो। देखो, इसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टर्म्स में कॉमन है। जब इन तीनों टर्म्स से कॉमन लेकर उसे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर मिलेगा, इसकी जगह वन, इसकी जगह वन बचेगा, और यहाँ पे देखो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह भी आपको जब कॉमन ले लोगे तो वन बचेगा, यानी यहाँ बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। और इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक फोर्स वेक्टर है, ये एक फोर्स वेक्टर है, इस लेंथ को एफ ए का मैग्नीट्यूड कहेंगे, इस लेंथ को एफ बी का मैग्नीट्यूड कहेंगे,
पैरेललोग्राम पूरा किया तो डायगनल रिजल्टेंट दे रहा है। डायगनल की इस फोर्स से एंगल अल्फा अगर हो तो ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं थोड़ा डिटेल में बताए दे रही हूँ जिससे आपको वेक्टर रिवाइज हो जाए। हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इस फोर्स वेक्टर की लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो देखो हमें ये ट्रायंगल मिल गया। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी अगर ये FA है तो ये भी FA वेक्टर है। तो ये एंगल 60 है तो पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल भी 60। तो आप क्या कह सकते हैं, FA साइन 60, और इस लाइन को क्या कह सकते हैं, FA cos 60। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल पर आ जाओ, tan alpha is perpendicular upon base, perpendicular FA sin 60 हो गया और बेस देखो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ FB प्लस FA cos 60। FA FB sin 60 cos 60 की वैल्यूज रखी, आराम से देखो कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया tan alpha is अंडर रूट 2/3। क्या हमें तीनों क्वेश्चन समझ में आए बेटा? बिल्कुल न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स में तो किसी बच्चे को भी बिल्कुल डरना नहीं है, इसीलिए मैं बिल्कुल जल्दी नहीं कर रही हूँ, बहुत आराम से आपको बता रही हूँ, धीरज में बिल्कुल प्यार से समझो और इसको अच्छे से खूब कलर्ड पेंसिल्स यूज़ करो, अपने नोट्स को मन से बनाओ, अच्छा बनाओ कि जब कॉपी पलटो तो तुम्हें खुद भी अच्छा लगे पढ़ना। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस बार मैंने चार्जेस को स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे रख दिया। थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट बताने के लिए देखो, तीन चार्जेस सेम रखे हैं और एक को 2q ले लिया है। बड़ा लंबा और गंदा सा कैलकुलेशन है, रिजल्ट भी बहुत गंदा सा आएगा, पर उससे तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें क्या सीखना है कि इस तरह अगर कभी सवाल आ जाए तो कैसे करना है। चलो अब की बार फिर से सेम क्वेश्चन है कि सी पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू, उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स FB, A वाले चार्ज की वजह से फोर्स FA और D वाले चार्ज की वजह से फोर्स FD। अब यहाँ पे तुम देखो कि FB, FA और FD तीनों ही फोर्सेस इक्वल नहीं हैं। FB कितना है, FB है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ ए कितना है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ लिखा है हमने एफ ए, ये लिखा है हमने एफ ए, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एफ डी क्या है, देखो के टू क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, देखो के क्यू स्क्वायर के साथ 2 और आ गया अपॉन ए स्क्वायर। अब इस तरह के सवाल जिसमें तीनों फोर्सेस इक्वल नहीं हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो फोर्स है ना बीच वाला, इसको रिजॉल्व करेंगे इसकी डायरेक्शन में और इसकी डायरेक्शन में। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होते बेटा, जैसा कि क्वेश्चंस में रहता है कि चारों चार्जेस सेम दे देते हैं, तो हम कैसे करते, अगर चारों चार्जेस बराबर होते तो ये वाला फोर्स
तो अलग होता, लेकिन ये दोनों फोर्सेस उस केस में बराबर होते, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते और वो रिजल्टेंट इस फोर्स की डायरेक्शन में ही होता, तो फाइनल रिजल्टेंट इस रेड वेक्टर विच इज़ एफ ए और दिस पेंसिल वेक्टर विच इज़ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इनका सिंपल सम हो जाता। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा जनरलाइज किया कि मैं आपको ये तरीका सिखा सकूँ। तो इसमें तीनों फोर्सेस बराबर नहीं हैं, तो आपने इसको रिजॉल्व किया एफ ए, और तुम्हें देखो पता है कि डायगनल स्क्वायर का साइड से 45 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी, तो इस एफ ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ ए कॉस 45, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ ए साइन 45। इस डायरेक्शन को मैंने कहा एक्स डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को मैंने कहा वाई डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में देखो दो फोर्सेस है, एक एफ डी और एक एफ ए कॉस 45। इस डायरेक्शन में देखो दो फोर्सेस हैं, एक एफ बी और एक एफ ए साइन 45। जिसको हमने रिजॉल्व करा ना, अब उसको भूल जाओ। अब हमारे पास दो डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर्स हैं, एक एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स, देखो एफ एक्स कितना है, एफ डी प्लस एफ ए कॉस 45। एफ डी की वैल्यू लिखी, एफ ए की वैल्यू लिखी, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। एफ ए लिखते समय ध्यान दो, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जब किया तो आर यहाँ क्या है, साइड रूट टू, डायगनल की लेंथ साइड रूट टू, ए रूट टू। तो एफ ए लिखते समय हमने के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू का स्क्वायर किया है, और कॉस 45 1/√2, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स। वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स देखो, एफ बी प्लस एफ ए साइन 45। तो एफ बी कितना है देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल। एफ ए है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू का स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ कि आप आराम से देख लो कि एफ एक्स और एफ वाई हमने कैसे कैलकुलेट किए। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एफ ए और एफ बी और एफ डी की हेल्प से हमने एफ एक्स एफ वाई निकाला। अब नेट फोर्स अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तुम्हें याद है ना कि अब एफ ए को रिजॉल्व कर दिया, तो अब एफ ए से कुछ लेना देना नहीं, एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों बस बचे और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो रिजल्टेंट निकालेंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब ये बहुत लंबा सा कैलकुलेशन है, आपको ऐसा कैलकुलेशन बोर्ड में या मेंस में या नीट में इतना लंबा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, तो मैंने रैंडमली चार्जेस उठा लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आएगा वो हम कैलकुलेट किए ले रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू रखी एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर, फिर देखा कि अरे भाई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अंडर रूट से बाहर आएगा, ये स्क्वायर की वजह से अंडर रूट से बाहर आएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हमें पीछे क्या छूटा मिलेगा, 2 + 1/√2, और यहाँ पर 1 + 1/√2 इनका स्क्वायर। उसको मैंने इधर रफ में पूरा सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन मिला, उठाकर इसकी जगह पर रख दिया। अब ये नेट फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक। अब टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एफ वाई अपॉन एफ एक्स,
वैल्यूज रखी जब, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको ये मिला। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू मिल गई। मैं फिर से पॉज कर रही हूँ बेटा, आप आराम से सॉल्यूशन देख लो। वीडियो पॉज करके आप कितनी भी देर चाहो समझ सकते हो। इसके बाद टेन अल्फा का सॉल्यूशन देख लो। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से चार चार्जेस स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे रख दिए। यहाँ पे मुझे तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट सिखाना था, तो मैंने तीन चार्जेस तो प्लस क्यू लिए, लेकिन एक चार्ज माइनस क्यू ले लिया और एक चार्ज सेंटर पे रखा है। चारों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस एक चार्ज निगेटिव है। और क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स केप्ट एट द फाइंड नेट फोर्स केप्ट एट द चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी चारों लिखेंगे। अब देखो एफ ए के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर? डाइगनल का आधा, यानी ए रूट टू बाई टू। इसी तरह से जब एफ सी लिखा तो एफ सी भी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, डाइगनल का हाफ। एफ बी लिखा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ डी भी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एक्सप्रेशन में देखो तो मैग्नीट्यूड तो चारों का सेम आ रहा है, लेकिन इनका डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट कितना होगा। तो चलो डायरेक्शन पर फोकस करते हैं। एफ ए रिपल्सिव फोर्स होगा इस वेक्टर की टेल उस पर जिस पर फोर्स निकालना है, और डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एफ सी रिपल्सिव फोर्स, तो ये देखो एफ सी। अब ये दोनों बराबर भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों नेट फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब बाकी दोनों का हिसाब करते हैं। एफ डी, डी भी क्यू को रिपल करेगा, तो ये हो गया एफ डी, लेकिन बी इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो मैंने एफ बी कैसे बनाया है, टेल ऑफ द वेक्टर एट द चार्ज एट विच यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, एंड द वेक्टर इज टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? दिस इज अट्रैक्शन फोर्स, सो एफ बी विल ऑल्सो बी टूवर्ड्स बी, एंड एफ डी बींग रिपल्सिव फोर्स इज टूवर्ड्स बी, सो एफ डी एंड एफ बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू will be in same direction and just addition of these two. तो हमें अब सिर्फ एफ डी और एफ बी की वैल्यूज को, एफ डी और एफ बी की वैल्यूज को एड करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेना है। चलो एफ डी और एफ बी को कैलकुलेट करेंगे, तो ज़रा देखें कि एफ डी क्या है। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जब कर रहे हैं तो ये वैल्यू टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रही है। एफ बी भी सिंप्लीफाई होकर यही वैल्यू रख रही है। तो एफ ए एंड एफ सी एक दूसरे को कैंसिल करके इस पूरी प्रॉब्लम से बाहर हो चुके हैं। एफ डी एंड एफ बी सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली ऐड हुए और हमें 4kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मिल गया, राइट? और डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग
D and B and towards B. तो आज के ये questions क्या तुमको समझ आए? Next question अगले class में हम लोग फिर start करेंगे और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि net force से अलग अलग तरीके की logic को clear करने वाले questions करें. तो अगले क्लास में मिलते हैं बेटा. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. बिल्कुल भी लेजनेस नहीं. ध्यान से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, क्योंकि तुम्हें जीतना है. और नोट्स को हमेशा अपने हाथों से लिखो. अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ सुनेंगे और लिखेंगे नहीं और उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन नहीं करेंगे तो कभी भी वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा अपना नहीं होगा. अगर मैंने लिखा, मैंने बोला तो वो मुझे आएगा. जिसको तैरना सीखना है उसे खुद पानी में उतरना पड़ेगा. सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन.